मुझे तरबूज बहुत पसंद है। अगर ऐसा है दादी, तो मुझे किसी शानदार तरीके से तरबूज खिलाओ। क्या? इसे ले लो और खाओ। इसमें क्या समस्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा टिकटॉक देख लेता हूँ। ओह हाँ, यह बहुत मजेदार है। तरबूज से कोई डिश बनाना एक असली आर्ट है। वाव, क्या खुशबू है। बहुत बढ़िया। एक सही ड्रिंक के लिए हमें और क्या चाहिए? सबसे पहले इस गैजेट की मदद से मैं इसे बीच से काट लूंगी। बिल्कुल सही। और ब्लेंडर बाकी काम करेगा। मेरे पास एक बढ़िया ड्रिंक होगा। बच्ची खुश हो जाएगी। वाह वाह, बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने बालों की स्क्रंची ले लेती हूँ और एक तरबूज से एक बास्केट काट लेती हूँ। अब मैं सब कुछ चिकनी और सुंदर बनाने के लिए एक मार्ग बना देती हूँ। अब चलो काम पर लग जाती हूँ। काट दिया। हाँ, बढ़िया। मैं एक्स्ट्रास हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक विशेष चम्मच है। मैं मिनी तरबूज बॉल बनाऊंगी और अपनी टोकरी उससे भर दूंगी। कितना अच्छा है ना? दादी खुश है। देखो बेबी, यह सब तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें खाने में आसानी हो, इसके लिए मैं इस पर स्क्वायर लगा देती हूँ। और मैं तरबूज में एक नल लगा दूंगी। अद्भुत। अब मैं फैंटा डालूंगी और इसे नीला कर दूंगी। यह शानदार होगा। कितना कूल। देखो मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, यह किस तरह की हंसी है। यह मजेदार है। आपको इसे देखना चाहिए था। मुझे लाइफ हैक्स पसंद है। वाह, एक आदमी एक समुराई तलवार लेता है और एक अनानास काटता है। वाह, मुझे भी तुरंत इसकी जांच करने की जरूरत है। मेरी तलवार हमेशा मेरे साथ होती है। तो एकाग्रता, समुराई की शक्ति। तलवार निकालना है। 1 2 3। क्या, यह कैसे संभव है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह क्या था? मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकता। 1 2 3। ओ माँ, क्या हुआ? ठीक है। तरबूज क्यों नहीं कट रहा है? मैं पुराने तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। चलो कट जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते तरबूज। मेरी शक्ति अनंत है। ओह, लेकिन ये तलवार नहीं। ऐसा लगता है वो अब मेरी मदद नहीं करेगा। ओह, सावधान रहो। हम तैयार हैं एमा। अपने खाने के मजे लो। वाह कूल। और यह क्या है? भाई, मैं इसे नहीं खा सकती। वाह, तरबूज की बास्केट। हाँ, एक स्टिक पर छोटा तरबूज। मस्त है। कूल, धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या सच में तरबूज में एक नल चिपका हुआ है? वाह, नीला लेमोनेड कमाल का है। मैं इसे अब ट्राई करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे विनर मिल गया। धन्यवाद शेफ। मैं? ओह, मुझे धन्यवाद मत करो। ओह, बैड लक मेरा। इसे मत छुओ, ये एक चुनौती के लिए है। आह, बोलना ही काफी था। अब मुझे स्किटल्स चाहिए। मुझे खट्टी मीठी कैंडीज बहुत पसंद है। क्या, ये? ठीक है, मेरे पैक से खा लो बहन। इसमें बनाने का क्या है? बस हो गया। हालांकि यह बहुत सारे हैं, तो मैं एक खा लेता हूँ जबकि कोई देख नहीं रहा है। अंगूर, सेब, कीवी या नींबू। मैं एक नारंगी के साथ शुरू करती हूँ और फिर मैं बाकी ले लूंगी। खट्टे फल अच्छे कैंडी बनाएंगे। एक सॉस पैन में रस निचोड़े, पानी और जेलेटिन मिलाए। बहुत बढ़िया। अब केवल इसे मिलाना बचा है। कैंडी मिक्स तैयार है। अब मैं इसे एक कटोरे में डालकर पाउडर के साथ मिक्स करूंगी। हर एक फ्लेवर का अलग कटोरा। हाँ, यह बहुत सुंदर है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। वाह, कितना बढ़िया रंग आया है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं डो को पतली स्ट्रिप्स में रोल करूंगी और इसे काट दूंगी। मैं
इन टुकड़ों को छोटे कैंडी की तरह रोल करूंगी और इन्हें अच्छे से प्लेट में सजा कर रख दूंगी, एकदम सही स्वाद और आकार जैसा तुम्हें चाहिए था, है ना? और क्रीम से यह बादल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया काम। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मैं अपनी फेवरेट बास्केट लेकर जंगल में जाऊंगी, जहाँ ताजी हवा है और पक्षी गा रहे हैं, और अपनी पोती को खुश करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वह यहाँ उगता है। हम अंगूर और स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं। आह, यह एकदम ताजा है। वाह, क्या बेरी है। ओ, ऐसा लगता है कि केवल दादी ने जो है रास्पबेरी के लिए आई थी। ओ, यह तुम ले लो मिस्टर भालू, यह तुम्हारे लिए है। जल्दी मिलते हैं। मैंने अपनी जरूरत की हर चीज एकत्र कर ली है और अब मैं इन अद्भुत बेरीज से कैंडीज बनाना शुरू कर सकती हूँ। मैं उन्हें सुंदर बनाने के लिए कटोरे में डालूंगी और फिर ऊपर से शहद डालूंगी। बस अभी डालती हूँ। ओह, यह खोल ही नहीं रहा है। ओह, यह क्या है? क्या यह एक भालू है? ओह, धन्यवाद मिस्टर भालू, तुमने शेफ को डरा दिया। वह जल्दी अपने होश में आ जाएगी, चिंता मत करो। तब तक मैं शहद डालती हूँ। बहुत बढ़िया, जंगल का सब कुछ बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। क्या भालू जा चुका है? मेरी तो डर के मारे सूसू निकलने वाली थी। मेरी कैंडी कहाँ है? अब यह नहीं कहना कि उन्हें अपने साथ ले गया। खैर कोई बात नहीं। दादी, क्या आप एक ट्रिक देखेंगी? तड़ाम! ओह शाबाश बेटे। ओह रुको, जब तक आप देखेंगी तब तक मैं आपके मोती ले लूंगा। वाह, क्या यह स्किटल की तरह दिखता है? मुझे तो लगता है। क्या तुम्हारा हो गया बेटा? शेफ, शेफ, हम कर चुके हैं, उठो। हो भी क्या? अरे नहीं, मेरे रेनबो कैंडी का क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हम तैयार हैं। वाओ, कितनी कैंडी। यह शेफ के डिश की तरह नहीं दिखता है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। खैर अब विनर चुनना आसान होगा। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। शहद में बेरीज, कूल। मुझे यह पसंद आया। वाह, बहुत मीठा और फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, और यह स्किटल्स की तरह ज्यादा लग रहा है। कितना दर्द हुआ। अरे मुझे लगता है मैंने अपने दांत तोड़ लिए। अरे नहीं, माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप कभी ऐसा मत करना। यह तय है, दादी जीत गई। ओ धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? ओ आसान, चिंता मत करो, शेफ अपना काम करना जानती है। अब मैं इसे काटने जा रही हूँ। इसे हवा में करना सबसे सुविधाजनक है और मैं इसे उबलते पानी में पकाऊंगी। यह अद्भुत है। क्या हुआ दादी, क्या परेशानी है? यह आलू है या अंडा, समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह निश्चित रूप से आलू है। मैं इसे फॉइल में लपेटूंगी और इसे अपने पुराने रेसिपी के अनुसार पकाऊंगी। मैं इसे उठा नहीं पा रहा। वाह, ओह कितना अच्छा है कि मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। मैं हारने से थक गया हूँ, मुझे उम्मीद है वो मुझे जीतने में मदद करेगा। यह दिलचस्प है, मुझे इसे खा कर देखना चाहिए। ओह यह कितनी ठंडी है, यह बर्फ की तरह है। क्या करूँ? मुझे पता है, मेरे पास रिमोट कंट्रोल रोबोट है। मेरे पास आ। ओह नहीं, ओह रुको रुको। कूल, अब देखते हैं कि वह क्या कर सकता है। तो फ्राइंग मोड। यह बहुत तेज है। अरे नहीं, चेहरे पर नहीं। स्विच ऑफ। तुमने बहुत काम कर दिया मेरे दोस्त। वाह,
तुमने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया है। वाह, मुझे आशा है कि मैं इसके बाद रोबोट को ठीक से चलाऊंगा। कूल, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरे आलू पक गए हैं। अब इसमें से पानी निकाल कर इसमें अंडे और थोड़ा आटा मिलाकर उन्हें ब्लेंडर के साथ मिक्स करने का समय है। बढ़िया, मैंने एक प्यूरी तैयार किया है जिसे हम किसी भी आकार के फ्राइज बना सकते हैं। जरा देखो यह कितना बढ़िया स्पाइरल बना है। बस इसे तेल में डुबाना है और थोड़ा इंतजार करना काफी होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ यह तुम्हारे लिए है बेबी। मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। चलो केचप और मेयोनीज के साथ इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। अपने खाने का मजा लो। मेरे आलू भी आग पर पककर तैयार हो गए हैं। और ये आग पर पके हैं इसलिए इसमें एक अलग स्वाद होगा। अब मैं इसे काट देती हूँ, फिर बटर और सॉसेज डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी पोती को यह बहुत पसंद है। जरा इसे देखो, कितने बढ़िया सर्कल है। हाँ, और मैं इस पर चीज ग्रेट करके मिलाऊंगी। बढ़िया, लाजवाब। ओह, सबका हो गया लेकिन मेरा नहीं। एक मिनट रुको, मैं सिर्फ केचप निचोड़ देता हूँ और यह तैयार। बोन एपिटीट। ओह, कितना कितने सारे फ्राइज है। वाह, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। इसका आकार मस्त है, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। ओह ओह ओह, कितना गर्म है लेकिन मुझे यह पसंद है। तो यह क्या है? बेशक फ्रेंच फ्राइज नहीं है लेकिन यह अच्छा दिख रहा है। हाँ, चीज स्ट्रेच हो रहा है, मुझे वो पसंद है। स्वादिष्ट। वाओ, ओह हाँ, यह वही है जो मैं चाहती थी, बिल्कुल सही। चलो खाकर देखती हूँ। मैं खुश हूँ, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? ये मुश्किल है लेकिन भाई जीत गया, तुम सबसे अच्छे हो। क्या आपने सुना? मैं जीत गया आखिरकार। इस बार बेबी जेस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाओ, यह वफल है। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है। हाँ, मैं जेस के लिए पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वफल बनाऊंगी। मुझे इसके लिए बैटर बनाना होगा, अंडे, दूध और थोड़ा आटा। अब हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ओह हाँ, यह इस तरह से होना चाहिए। और यह तैयार हो गया। डो अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कटोरे में डालते हैं और ऊपर से फूड कलर की कुछ बूंदे मिलाते हैं। हाँ, मैं रेनबो वफल बनाना चाहती हूँ, इसलिए इंद्रधनुष के रंगों की एक एक बूंद। वाह, यह रंग अद्भुत है। और मैं सिरिंज का उपयोग करूंगी और इसमें डो को भरूंगी। और अब वफल मेकर में इसे धीरे धीरे डालते हैं। एक असली इंद्रधनुष वफल बनाने के लिए परतों में डो को डालना जरूरी है। वाह, अब केवल इसे पकने का इंतजार करना होगा। वाह, उसके पास क्या है? ओह, क्या तुमने केमिकल्स के साथ मेरी पोती को खिलाने का फैसला किया है? रंगीन वफल कितना डरावना है। अब दादी असली ब्रांडेड वफल दिखाएगी। और यह रहा कद्दू, इसको छीले फिर इसे टुकड़ों में काट लेना है। बिल्कुल सही। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसकी महक बहुत अच्छी है। और अब चालू करती हूँ। बढ़िया, यह कद्दू का प्यूरे है। अब हम आटा में कद्दू डालते हैं। वाह, यह मेरा अपना सीक्रेट रेसिपी है जिसे मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। खैर, बहुत बढ़िया।
चलो अब सबको एक वॉफल मेकर में डालते हैं और पकाते हैं। चलो थोड़ा इंतजार करती हूँ। ओ जैकी, तुम क्या कर रहे हो? ओ दादी, मुझे जैकी मत कहो। एक शानदार आइडिया मेरे पास आया है। मैं च्युइंगम वॉफल बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही स्ट्रिप्स को काट दिया है और उन्हें वॉफल मेकर में डाल दिया है। मैं तुम्हारी इस डो को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अब केवल पकना बाकी है। और शेफ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वॉफल तैयार हो गया है। वाओ, ये कितने सुंदर बने हैं। मेरे वॉफल में निश्चित रूप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं है। मीठे आइसक्रीम के बिना वॉफल कैसे खाए जाएंगे? हम वॉफल पर कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद करते हैं और अब थोड़ी क्रीम डालते हैं। वाह, ऐसे। ओ, 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 ये कैसी महक है? जैक, वहाँ कुछ जल रहा है। क्या? मेरा? ओ, सही में? अरे, मेरी च्युइंगम वॉफल जल गई। लेकिन वहाँ उसे निकालो कैसे? चलो, मैं एक स्पैचुला से कोशिश करता हूँ। ओह, यह तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इसे वॉफल कैसे बना पाऊंगा? उफ। और वहाँ शेफ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम खत्म कर लिया है और यह ओरियो की तरह बना है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बेबी जैस इसे पसंद करेगी। बहुत बढ़िया। चलो, चॉकलेट को पिघला दिया और इसे गम के ऊपर डालता हूँ। ओह! और इस पर हाँ बाबा बाबा लिखता हूँ। बढ़िया। दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? ओह! तुम्हें एक असली वफल मैं दिखाती हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम देखो इसे कैसा दिखना चाहिए। तुम इसे हर समय खाना पसंद करोगे। दोपहर में, नाश्ते में, रात में। इसमें केवल थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालने होंगे, जिसे मैंने खुद बनाया है। बढ़िया, अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। क्या सब कुछ तैयार है? तो चलो बेबी जैस के पास चखने के लिए चलते हैं। ये सभी वॉफल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह सबसे अलग है। जी, ये बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यह क्या है? क्या यह वॉफल क्ले से बना है? मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। आगे क्या है? वाओ, यह वॉफल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैम। और यहाँ क्या है? वाओ, यह तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाओ, यह क्या है? यह ओरियो से बना हुआ वॉफल है। वाओ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। विनर निश्चित रूप से ओरियो वॉफल है। स्वादिष्ट। हाँ, हुर्रे, जीत मेरी हुई। अब बेबी जैश एक नया डिश दिखाएगी। वहाँ क्या है? वाओ, क्या वह जेली है? कूल। क्या हम सभी जेली बनाना जानते हैं? जैक, चलो चलते हैं। मुख्य बात है कि स्वाद के चुनाव में गलती नहीं करना है। बेबी जैस को जेली एकदम स्वादिष्ट मिलना चाहिए। चलो मैं करती हूँ। अलग अलग कटोरे में मैं जेली बनाऊंगी। ओह, यह कितना रंगीन और सुंदर दिख रहा है। मैं एक स्क्वीजर लूंगी और इसमें जेली निचोड़ूंगी। मैं इसे मोल्ड में डालूंगी रंग के अनुसार और यह बहुत ही शानदार होगा। ध्यान रखना है कि लेयर्स आपस में मिले नहीं। और अब मुझे ब्लेंडर की जरूरत है और दूध। दूध इसमें डाला और इसमें जेलेटिन डालूंगी और चीनी। बढ़िया, अब इसे आपस में मिक्स कर देती हूँ। हो गया। प्रत्येक सांचे में सफेद जेली डाले। ओह, मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी अच्छी कि मुझे खुद से ईर्ष्या होने लगती है। और मैं लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इंस्टेंट स्प्रे से फ्रीज करूंगी। बहुत बढ़िया। दादी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारी केमिकल्स में सांस ले रही हूँ और फिर मुझे पूरे दिन खांसी होगी। खैर, चलो मैं अपना जेली बनाना शुरू करती हूँ। चलो एक ताजा तरबूज काटते हैं।
ओ जैकी, क्या तुम्हें तरबूज चाहिए? ये लो बेटा, खाओ। हुरे, मुझे ऐसी चीज के लिए तुरंत एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। मुझे धन्यवाद मत दो, खाओ खाओ। और मुझे तरबूज के दूसरे आधे हिस्से को साफ करने और एक प्लेट में रखने की जरूरत है। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ। तरबूज बहुत स्वादिष्ट है। ओह, क्या ये इतना ही था? खत्म हो गया इतनी जल्दी? ओह, दादी के पास एक और आधा है, लेकिन दादी को पता नहीं चलेगा कि मैंने लिया है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तरबूज को एक गेंद से बदल देता हूँ। बिल्कुल सही, और अब मैं इसे खा सकता हूँ। ओह स्वादिष्ट। यह क्या है? क्या मैं सो गई थी? कितना समय हो गया? तो यह क्या है? ये मेरे तरबूज की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद इस साल खराब फसल हुई थी। ठीक है, चलो इसे काटे। हो, क्या हुआ जैक? क्या तुमने मेरा तरबूज ले लिया और मुझे एक बॉल खिसका दी? अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तुमने ये क्या किया है? क्या तुमने सब कुछ खा लिया? बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए था। और अब हम यहाँ तरबूज जेली, चीनी और पानी डालते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स करना बचा है। वाह, चलो इसे मिक्स करती हूँ। वाह बढ़िया, तरबूज का रंग तैयार हो रहा है। ओ, ये थोड़ा कड़ा हो गया है, जम रहा है। खैर, अच्छा है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ब्लूबेरी डालेंगे। बहुत अच्छा, अब इसे अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। और अब हमें इसे ठंडा करने की जरूरत है ताकि ये जल्दी जम जाए। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। ओ, लगता है ये तैयार हो गया है। चलो इसे बाहर निकालती हूँ। और अब इसे टुकड़ों में काटना है। देखते हैं क्या हुआ है। वाह, एक अद्भुत तरबूज निकला। जरा इसे देखो। दादी तैयार है, लेकिन मेरा सिर खाली है और मेरा पेट तरबूज से भरा है। तो जैक, तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत है। तुम्हें जेली बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें कुछ काम चलाओ व्यवस्था करनी होगी। तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप, आटा कभी भी ज्यादा नहीं होता, एक मिल्क शेक, और हम अधिक दूध डाल सकते हैं, कोला और मेंटोस। ओह, कोला और मेंटोस, अरे बाप रे। यह अच्छा निकला। अरे शेफ, क्या यह जेली की तरह दिखता है? तुम्हें पसंद है? ओह जैक, तुम्हें खाना पकाता देख केवल बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। मेरे पास अब जेली तैयार है, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ये मेरी ट्रेडमार्क गमी आईज है। बढ़िया, चूंकि हर कोई तैयार है तो चलो अपने डिश बच्चे को परोसे। वाओ, कितने अलग जेली है। यह किस तरह की गंदगी है? जैक बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, मैं इसे चखने से भी डरती हूँ, लेकिन यह दिलचस्प लग रहा है। क्या ये गमी आंख है? अच्छा है, हमें टीचर को प्रैंक करने के लिए इसे स्कूल ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाओ, ये एक तरबूज जेली है, मैंने इसे कभी नहीं खाया है, अभी चखती हूँ। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप जीत रही हैं। क्या? अरे, मैं जीत गई। दादी ने सबको हरा दिया। बेबी जेस का पेट लगभग भर चुका है, अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ, लेमोनेड, कितना अच्छा है। अब हम सब कुछ तैयार करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं एक ग्लास में जेस का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक डालने जा रहा हूँ। ओह, और ऐसी बोतल के लिए ग्लास बहुत छोटा है, मुझे कुछ और लेना चाहिए था। ओह, यह सही साइज है। मछली, मुझे माफ करना, मुझे ये चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे घर की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर लाया हूँ, यह और भी बेहतर है। और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ, मुझे पानी नहीं चाहिए। और अब मैं मछली के घर में यह सोडा डाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, यह सही है। जेस के फेवरेट गमीज और आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी होगा।
इन सब को सोडा में मिलाता हूँ। ओह, आइसक्रीम कितनी ठंडी है। मैंने फिल्मों में देखा है कि वे लिक्विड चॉकलेट के साथ ग्लास को सजाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद इस तरह से बेहतर स्वाद आता होगा। खैर, मैं भी वह करूंगा। चलो सजावट के लिए गमी कीड़े के एक जोड़े को जोड़ते हैं। वाव। और यह लगभग तैयार है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, सही कॉकटेल। और इसमें स्ट्रॉ डालें और अब इसे सर्व कर सकते हैं। क्या आपने देखा कि मैंने क्या किया है? ओह जैक, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। अब मैं तुम्हें नींबू पानी बनाने का एक क्लासिक नुस्खा दिखाऊंगी। हम एक बैग में खीरे डालते हैं और एक रोलिंग पिन के साथ सब कुछ पीसते हैं। खीरे के प्यूरे में बनाना महत्वपूर्ण है। इन सब्जियों को अच्छे से मसल दिया और अब ये प्यूरे को ग्लास में डालना होगा। चलो इसे खीरे के साथ सजाती हूँ और ड्रिंक तैयार है। संतरे कहाँ है? ओह, यह रहा, यही मुझे चाहिए। बिल्कुल सही। और अब मुझे कुछ बर्फ चाहिए, बस सीधे एवरेस्ट से। ओह हाँ। यात्रा में कितनी थकान हो जाती है, लेकिन मुझे सबसे ताजे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हम अमेजन के जंगलों से ट्रॉपिकल फलों का रस लाते हैं। एवरेस्ट से ताजा बर्फ के साथ एक ग्लास में सब कुछ डालें और अब मुझे संतरे का रस चाहिए। हर आखिरी बूंद को निचोड़ा। कीवी, इसे कॉकटेल में डालें। मुझे नारंगी भी चाहिए। चलो इसे भी निचोड़ती हूँ इस तरह से। हो गया। और अब इसे कॉकटेल में डालती हूँ। और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। बढ़िया, चलो जल्दी जेस के पास चलते हैं। वाह, सभी कॉकटेल कितने कूल है। जी, इसके अलावा ये बहुत अजीब लग रहा है। चलो लेकिन इसे ट्राई करके देखती हूँ। छी, क्या ये खीरा का स्मूदी है? कितना बुरा, मैं बोर नहीं चाहती। और यह क्या है? यह तो अच्छा लग रहा है। चलो इसे पी कर देखती हूँ। वाओ, यम्मी। यह तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक जायंट ग्लास में। मैं एक छोटी बच्ची हूँ। खैर, चलो इसे पी कर देखती हूँ। वाओ भाई, तुमने अपना बेस्ट दिया है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, तुम जीत गए। क्या, मैं जीत गया आखिरकार? मुझे विश्वास नहीं हो। बस यह रहा, मुझे यह जेली चाहिए। जेली, मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। yes. यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी, मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। ओह,
और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गम ही बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा, हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी इस तरह से। एकदम सही। ओ, मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ, ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। जी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता।